जेल जाएंगे अगर आपने इस दफा कोई गड़बड़ की तो, इधर उधर भी राइट लेफ्ट भी नहीं लेने दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, आज की जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी, ये किसी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर ऐसी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में तो ये बताना चाहिए था कि अवाम को आटा सस्ता कब मैसर होगा, महंगाई पे कंट्रोल कैसे होगा, 50 लाख घरों में से कितने घर बना दिए, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी, 1 करोड़ को बेरोज़गार आपने कर दिया, महंगाई की शरह जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। इन बातों के जवाब देने के बजाय वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी मैं जेलों में डालूंगा। देखिए, कर ले शौक पूरा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कुछ अर्से पहले ये कह रहे थे कि जी हम तो कंटेनर देंगे इनको, तो अभी तो हम निकले ही नहीं और अभी से जेलों की बातें करके पॉपुलर कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अगर आपने कानून तोड़ा तो फिर आप देखिए देखिए मेरी बात सुने, 126 दिन धरना जो है वो देना सही था, वो जमहूरियत थी। अब अगर अवाम के लिए महंगाई के इश्यूज के ऊपर और ये पूरा जो मामला है एक अनाड़ी जो है, आप देखें ना, मुल्क तो चल नहीं पा रहा। आप कश्मीर के इश्यू, अपोजिशन महंगाई के इश्यू पर निकल रही है। देखिए डेफिनेटली ये जो 2 साल से इंतकामी कार्रवाई के नाम पे ये जो हुकूमत की नाकामी आपके सामने आ गई, लेकिन महंगाई के इश्यू पर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इस्तीफे दे के घर चली जाए। देखिए बात ये है कि डे वन से इस हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया है, इंतकाम इंतकाम और इंतकाम। नहीं वो ठीक है, महंगाई पर आप क्या कह रहे हैं, ये इस्तीफे नहीं देंगे तो महंगाई पर आप इनसे मुझे आप बताएं ना, आदिल क्या इस तरह हुकूमत चलने दे सकते हैं या चल सकती है हुकूमत? कश्मीर के वजीर आजम पे आप बगावत के पर्चे डाल रहे हैं, आप से मुल्क चल नहीं रहा, तो ये भेजेंगे कैसे, घर कैसे भेजेंगे? देखें बात यह है कि घर किस तरह भेजेंगे, जिस तरह से ये भेजना चाह रहे थे ना, 4 हलकों के ऊपर, हाँ। 4 हलकों के ऊपर धरना सजा के पीटीआई भेजना चाह रही थी ना, घर भेजना चाह रही थी वजीर आजम को, तो आज हम भी जमहूरी अकदार के ऊपर, फ्रीडम है हमारे पास, लिबर्टी है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, आईन इजाजत कैसे देगा, मैं वही तो समझना चाह रहा हूं। देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मसलन हमारे पास अदम एतमाद का भी ऑप्शन है, पहले है। तो हम कहते हैं कि इनको खुद ही चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी आप अदम एतमाद लाए थे, उस वक्त तो पार्लियामेंट में सारा ठीक था, लेकिन उसके पहले बाद तो क्या मैं समझती हूँ कि खुद ही जिनसे जब हुकूमत, देखिए इस तरह घर नहीं चलते, इस तरह तो कोई अपना घर नहीं चलाता okay, जिस तरह ये हुकूमत चला okay, रहे हैं। ठीक है, अगर इसी हवाले इनके कदम एतमाद और इस्तीफे का ऑप्शन है, देखिए नहीं पहले तो इनको इस्तीफे देने पड़ेंगे, अगर ये इस्तीफा नहीं देते कहते तो मैंने इस्तीफा नहीं देना, हमारे पास ऑप्शन जो है बहुत सारे ऑप्शन है जो हम एक्सरसाइज करेंगे, तमाम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन हमारे पास, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हम वो सब एक्सरसाइज करेंगे, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जो भी रास्ता है वो आईन के दायरे कार में रहते हुए रास्ते हैं, लेकिन हुकूमत की बौखलाहट साबित कर रही है कि हुकूमत घबरा गई है। घबरा गई है, चलिए मैं आपके पास आता हूँ पहले जरा। अब आई साहब सीधे